अस्सलाम वालेकुम अरजान, ट्यूटोरियल में आप सबको वेलकम। अभी तक मैंने आपको सिखाया था कि फाइवर अकाउंट कैसे बनता है। ये देखें, ये मेरा पर्सनल फाइवर अकाउंट है जिसके ऊपर मेरी 7 गिग्स जो हैं वो फुली अपडेट हैं। ठीक है, अब फाइवर अकाउंट तो हमने बना लिया, लेकिन अब ये नहीं पता कि आगे क्या करना है, इसमें हमें ऑर्डर कैसे आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको गिग्स के बारे में बता दूँ। गिग्स वो होती है कि ये हम कौन सी सर्विस जो है किसी को प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक मेरी ये फर्स्ट गिग है, आई विल क्रिएट योर बिजनेस फेसबुक बिजनेस पेज। और जब मैं इसको क्लिक करती हूँ तो आगे मेरा पूरा जो एक सेटअप गिग का खुल जाएगा, जिसमें मेरे डिफरेंट पैकेजेस हैं, एक $5, $15, $25 के। उसके अंदर मेरी लिखी हुई है सर्विसेज के मैं इतने डॉलर्स में क्या काम करूँगी और गिग किस चीज़ के बारे में है वो भी मैंने लिखी हुई है, जिसमें मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है और कि मैं क्या क्या काम करूँगी। इस तरह हमारी मुकम्मल गिग होती है और लोग इसको देख के हमें ऑर्डर देते हैं। उसके बाद अब ये क्वेश्चन है कि फाइवर पे हमें ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे। तो आप ये देखें, आपके ऊपर ये डैशबोर्ड मैसेज ऑर्डर गिग्स एनालिटिक्स कम्युनिटी और मोर है। आप मोर में जाएं, यहाँ पे बायर रिक्वेस्ट होती हैं। बायर रिक्वेस्ट भी होती हैं कि जिन्होंने आपके साथ काम करना है वो आपको भेजते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही। मिनिमम जो अभी टाइम हम लोग नोट कर रहे हैं वो दोपहर 1 से 3 का, रात 2 से 5 का और शाम को 7 से 10 और 11 से 12 के बीच में रिक्वेस्ट जो हैं यहाँ शो होती हैं बायर की। बायर वो होते हैं जिन्होंने काम करवाना होता है। ठीक है, वो यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें ये काम करवाना है। उस पर आपने प्रपोजल सेंड करने होते हैं। लाइक ये मैंने जिस तरह ये एक प्रपोजल, उन्होंने एक अकाउंट सॉरी ऑफर आई थी क्रिएटिंग फेसबुक बिजनेस पेज, तो मैंने उसके ऊपर ये अपना अकाउंट से प्रपोजल भेजा था। और अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये हमें रिटर्न में मैसेज करेंगे जो इस मैसेज ऑप्शन में इस इनबॉक्स के अंदर यहाँ पे आएगा। ठीक है, जिस तरह कि मेरा एक मैसेज आया हुआ है, यहाँ पे जो भी चैट होगी वो आपके इनबॉक्स के अंदर होगी और वो आप उससे क्लियर कर लेंगे कि आपने क्या, आपका सेटअप है क्या है, और आप अपना ऑर्डर जो है पास कर लेंगे। एक बार याद रखिएगा, फाइवर पे जो कुछ है कि जो कुछ भी आपने काम करना है वो आपने इस ऑप्शन के उससे ही करना है। ठीक है, ये जो मैसेज ऑप्शन है इससे में ही रह के आपने सारा काम करना है। अपने अकाउंट्स में आपने अपना फ़ोन नंबर नहीं देना। ठीक है, आपने डायरेक्ट ये नहीं बोलना कि आप स्काइप पे या फ़ोन नंबर पे रब्ता करेंगे, अदरवाइज़ आपका अकाउंट जो है वो बैन कर दिया जाएगा। ये कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। इनबॉक्स में सारे काम करें। अगर आपको लगता है कि हाँ ज़्यादा ट्रस्टेबल पर्सन है तो आप अपना जो नंबर या वो कुछ है वो उसको बीच में स्पेस देके या कुछ इस तरह देके कि वो मेंशन ना हो उसमें बात कर सकते हैं। लेकिन जो भी बात करनी है आपने इस मैसेज में रह के करनी है, क्योंकि ये रिलायबल है। ठीक है, इसके अंदर आपको जो है धोखा नहीं मिल सकता। आम उसमें ये होता है कि लोग फेक होते हैं, वो काम करवा के पैसे नहीं देते, लेकिन फाइवर में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। उसके अलावा जो आपकी गिग्स हैं, आपने अपने गिग्स को यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, कॉपी पेस्ट सॉरी आपने यहाँ से इसके लिंक को आपने कॉपी करना है और इसको बहुत से फेसबुक पे ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जिसके अंदर गिग्स एक फेवरेटिस एक्सचेंज की जाती हैं। गिग्स फेवरेटिस एक्सचेंज करने से एक ये जो पॉइंट आता है वो ये कि आपकी ये इंप्रेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। लाइक मेरे 37 तो जितनी बार इसको क्लिक करेंगे उतनी रैंकिंग में ऊपर जाएगी और मेन पेजेस पे आके लोगों की नज़रों में आएगी। तो इस तरह हम फाइवर पे काम करते हैं। बहुत आसान है, बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं है। सिंपली आप अपने गिग्स को अच्छे से अच्छा पैकेज बनाएं, अच्छे से अच्छा आपका अट्रैक्टिव पेज होना चाहिए, कवर होना चाहिए, आपके गिग्स की पिक्चर्स होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप जो है उसमें अपना जो बैलेंस आपने जो आपने मनी का रखना है, जो आप अपने सर्विसेज चार्ज करेंगे, स्टार्टिंग में मैं यही सजेस्ट करूँगी कि थोड़े से स्टार्ट करें। जब आपके व्यूज़ आने लग जाएँ, आपके कस्टमर्स जो हैं वो आपको व्यूज़ देने लग जाएँ, आपके काम बनने लग जाए, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने प्राइस बढ़ाएं। देन आपके लिए वो चीज़ सूटेबल होगी आपके बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जिसके थ्रू आप फाइवर के में काम करना जान सकते हैं। उसके अलावा अपनी जो जितने भी गिग्स हैं आप इसको सोशल मीडिया साइट्स पे शेयर कर सकते हैं, लाइक लिंक्डइन अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद ट्विटर में, उसके बाद फेसबुक में बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे ये शेयर होती हैं, जिससे आपकी इंप्रेशन बढ़ते हैं और लोगों की नज़र में आते हैं। अब दूसरी मेन चीज़, जब आप ये लिंक शेयर करते हैं तो वो एज इट इज़ शेयर नहीं होता। उसके लिए एक साइट है जहाँ पे इसका लिंक शॉर्ट हो जाता है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाती हूँ। यहाँ से मैं अपने गिग का लिंक जो है वो कॉपी करती हूँ। ठीक है,
आप लाइक ट्विटर या फेसबुक पे इस चीज को नहीं एज इट इज पोस्ट कर सकते, इस तरह अकाउंट बैन हो जाता है या काम नहीं करता। तो आप यहाँ पे जो साइट का नाम है वो है बिटले, आप बिटले जो है वो इंस्टॉल अपने उसमें कर लें या उधर अपने बुक मार्क करके सेव कर लें। बिटले में सेव करने के बाद जो आपने लिंक गिग का कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट करें और उसको शॉर्ट कर लें। जब वो शॉर्ट हो जाएगा उसको कॉपी करके आप कहीं पे भी इजीली भेज सकते हैं, चाहे वो लिंक्डइन का अकाउंट है, चाहे वो ट्विटर का अकाउंट है, चाहे वो आपकी फेसबुक आईडी है। इस तरह आपके अकाउंट्स जो है ना बैन होंगे और ना ही कोई इशू क्रिएट होगा। अपने अकाउंट की जो वेबसाइट्स हैं, आपके जो लिंक्स हैं, उनको यहाँ से शॉर्ट करके आप पोस्ट कर सकते हैं दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो ये था फाइवर का इंट्रोडक्शन। अगर इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए और आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मैं अपनी आईडी यहाँ बायो में अपनी मेंशन कर रही हूँ। अगर फिर भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप उस पर मेरे से रابطہ करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।